दोस्तों धन्यवाद। आपने पिछले भाग में देखा कि कैसे ये लोग विभिन्न मामलों में झूठे नैरेटिव बनाकर देश को अराजकता की दलदल में धकेलकर अपनी दाल गलाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसी बीच 2019 में संसद में पास हुए CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर दिसंबर 2019 से देश के कई शहरों में प्रोटेस्ट किया गया। दिल्ली के शाहीन बाग का प्रोटेस्ट तो कई महीनों तक चलता रहा। विपक्षियों ने भी इसमें खूब घी डालकर मिर्च मसाला लगाकर इसे आग की तरह फैलाया। लोगों को, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में इस कानून को लेकर झूठ फैलाकर उन्हें बरगलाकर हिंदू मुस्लिम कराकर खूब रोटियां सेकी। वैसे आपको बता दें कि सीए कानून है क्या। सीए कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आकर भारत में बसे हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख और क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का कानून है, लेकिन इसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश कहकर अल्पसंख्यकों को सरकार के विरुद्ध बगावत करने के पाठ पढ़ाकर पूरे देश में अशांति फैलाने की कोशिश की गई। इन सभी विरोधों के पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों का बड़ा हाथ रहा। इन्होंने इन प्रोटेस्ट के लिए लोगों को भड़काया, उन्हें पैसे, मार्गदर्शन और कानूनी सहायता देकर इस प्रोटेस्ट को खूब लंबा खींचा। हालांकि बाद में PFI पर बैन लगा दिया गया, मगर इस विषय को लेकर ओपोजिशन ने इंटरनेशनल लेवल पर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के खिलाफ कहा कि भारत सरकार अल्पसंख्यकों के हक छीनना चाहती है, ऐसा कहकर झूठा नैरेटिव फैलाया। इसके बाद 2021 में किसान आंदोलन ने तूल पकड़ा। इसमें सच्चे किसान कितने थे ये तो नहीं पता, मगर इस आंदोलन की आड़ में देश विरोधी अराजक तत्वों ने इस पूरे आंदोलन पर अपना कब्जा कर लिया। वैसे कृषि में सुधार लाने के लिए और किसानों की स्थिति बेहतर करने के लिए पिछली कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने भी इन कानूनों को लाने की बात की थी, मगर आज वो अपने फायदे को देखते हुए इन कानूनों का विरोध कर रहे थे। खालिस्तानियों ने भी इस आंदोलन को हाईजैक करने की और हुड़दंग मचाकर देश को अस्थिर करने की खूब कोशिश की, यहां तक कि लाल किले पर खालिस्तानी झंडे को फहराने की नापाक कोशिश भी की। इस समय जॉर्ज सोरोस जैसे विदेशी ताकतों ने एक राष्ट्रवादी सरकार को अस्थिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसके लिए खूब संसाधन भी जुटाए थे। इतना हंगामा होने पर भी विपक्षियों ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी साबित करने के लिए इस आंदोलन का दुरुपयोग किया और किसानों के कई नाजायज मांगों को जायज ठहराते हुए उन्हें सरकार के खिलाफ भड़काया और इस पूरे मामले में विदेश से लेकर दिल्ली के आंदोलनकारियों तक बहुत से लोगों ने एक टूल किट के तहत एक इकोसिस्टम बनाकर काम किया और बाद में इससे जुड़े कई सारे खुलासे भी हुए। इस बीच कई किसान संगठनों ने सरकार द्वारा बनाए गए किसानों के लिए नए नियमों को सही ठहराते हुए इस आंदोलन से अपने समर्थन को वापस ले लिया था, मगर एजेंडाधारियों को किसानों के हितों की कहां पड़ी थी। उन्हें तो बस यहां पे एक मौका नजर आ रहा था जिसे वो किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते थे अराजकता फैलाने में। इतना ही नहीं, ये लोग संसद में भी अपनी अराजकतावादी सिद्धांतों पर ही चलते रहे। हर सत्र के आधे से ज्यादा समय किसी न किसी विषय को लेकर हंगामा करते रहते थे, किसी भी डिबेट में एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं करते थे। ना उन्हें किसी विषय पर सरकार को सकारात्मक रूप से जवाबदेह बनाना होता था और ना शांति से जवाब सुनना होता था, बस सदन के मर्यादाओं को ताक पर लगाकर अपनी मनमानी करनी होती थी। ये रवैया तो यही दर्शाता है कि इन्हें विपक्ष में बैठना मंजूर नहीं है। देश की जनता के आदेश को स्वीकार करना इन्हें अस्वीकार है। इनके हंगामे के चलते कई बिल तो बिना चर्चा के ही बहुमत से दोनों सदनों में भी पास हो जाते थे, मगर ये देश का नुकसान है और देश के भविष्य की अनदेखी है। 2024 के चुनाव के बाद भी उनका यही रवैया दिखाई दे रहा है। आजकल ये लोग सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ और विकास के सारे प्रयासों के खिलाफ झूठे नैरेटिव गढ़ने और उसे बार बार जनता के सामने कहकर उसे सत्य बनाने की कोशिश करते रहते हैं। कई बार मूकी खाते हैं, मगर उन्हें क्या है, क्या ही फर्क पड़ता है उन्हें? उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो बस इससे मतलब है कि इस झूठे नैरेटिव के कारण जनता में सरकार के प्रति संशय और घृणा का भाव उत्पन्न हुआ या फिर नहीं। अगर होता है तो खुद को सक्सेसफुल मानते हैं, वरना कोई और नैरेटिव गढ़ने में व्यस्त हो जाते हैं। आपने देखा कि हाल ही में अग्निवीरों के मुआवजे को लेकर कैसे लोगों में और सेना में झूठ फैलाने की कोशिश की गई। देखा ना आपने, आप सब ने देखा है ना इस देश के कट्टर ईमानदारों के करतूतों को। बात बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले ये लोग
शराब घोटाले और भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में आरोपी घोषित होने के बावजूद भी कैसे जेल से सरकार चलाने की जिद पर अड़े हुए। इसे आप अराजकतावाद की पराकाष्ठा नहीं कहेंगे तो क्या है ये? इस देश में अपने फायदे के लिए कैसे अनैतिक परंपराओं को गढ़ने की कोशिशें की जा रही हैं? देखिए तो सही, आज के दिन में बंगाल तो अराजकता का केंद्र बना हुआ है। यहां वोट के लिए लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, दंगे भड़काए जा रहे हैं। यहां पार्टी देखकर लोगों पर अत्याचार किए जाते हैं और उन्हें डराया धमकाया जाता है। केंद्र सरकार को तानाशाह की सरकार कहने वाले इससे चुपचाप आंखें मोड़ लेते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका जैसे कई पश्चिमी देश भी भारत में एक स्थिर और विकासशील सरकार नहीं देखना चाहते, भारत के बढ़ते कद को रोकना चाहते हैं। इन्हें बस यहां पर उनके इशारों पर नाचने वाली एक कठपुतली सरकार चाहिए और वो ऐसी सरकार के सहारे इस देश को एक मार्केट बनाकर अपना व्यापार चलाना चाहते हैं। इसलिए वो हर मौके पर भारत के डेमोक्रेसी और यहां के राष्ट्रवादी सरकार की आलोचना करने से नहीं चूकते। इतना ही नहीं, भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मामलों में दखल अंदाजी करके उन्हें प्रभावित करने की कोशिशें करते हैं और यहां के विपक्षी उन्हीं विदेशियों के एजेंडे को आधार बनाकर बिना किसी तथ्य के सर पैर के सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं। इन विपक्षियों ने 2024 के चुनावों में बीजेपी के फिर से सत्ता में आने पर कहते हैं कि ये लोग संविधान बदल देंगे और आपको संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण हटाएंगे, ऐसा कहकर लोगों को बरगलाने के प्रयास किए और इसी झूठे नैरेटिव के सहारे देश और देशवासियों को गुमराह करके कुछ सीटें तो इन्होंने जैसे तैसे करके पा ली, मगर जल्द ही इनके झूठ का भांडा फूट गया। अब विपक्ष विपक्ष ना रहकर जैसे सत्ता पक्ष के साथ साथ देश का भी शत्रु बन गया है। संविधान की दुहाई देकर कहते हैं ये, हम संविधान को बदलने नहीं देंगे, उस पर आंच नहीं आने देंगे। ये बताने वाले ये लोग सरकार के बनते ही पहले सत्र में ही कितना हंगामा करते हुए दिखाई दिए, इसे पूरे देश ने देखा है। ये लोग खुले आम संसद में इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को हिंसक कहकर इन्होंने अपनी मंशा को बता दिया है। इनके लिए किन लोगों का महत्व है ये चुनाव में उनके द्वारा दिए गए बयान से ही पता चलता है, जिसमें उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि हम लोग अगर सत्ता में आएंगे तो हम लोगों के वेल्थ का असेसमेंट करेंगे, उसे स्कैन करेंगे और जिनके पास संपत्ति लिमिट से अधिक पाई जाएगी उनसे लेकर जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो गरीब हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनमें बांटेंगे। सोचिए, और ये लोग कितना संविधान और सदन की मर्यादा करते हैं। ये तो उसी दिन पता चल गया था जिस दिन प्रधानमंत्री के भाषण के समय शहजादे ने अपने पार्टी के सदस्यों को सदन के वेल में उतरकर हंगामा करने के लिए और नारेबाजी करने के लिए उकसाया था। साफ साफ दिख रहा था कि उकसा रहे थे। अब आज देश इनसे पूछ रहा है, क्या यही है इनकी सदन और संविधान को लेकर मर्यादा? संविधान की दुहाई देने वाले एक और सांसद सदन के पटल से अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कहते हैं जय फिलिस्तीन, ऐसा कहकर लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। कैसे इन हरकतों को संवैधानिक ठहराया जा सकता है, आप ही बताइए। इन सब के अलावा देश प्रदेश में चल रहे कई गैर कानूनी धर्मांतरण की घटनाएं, डेमोग्राफी को बदलने की साजिशें, बार बार धार्मिक समरसता को चोट पहुंचाती घटनाएं, धार्मिक आयोजनों पर हो रहे हमले, दिल्ली दंगों जैसी सुयोजित घटनाओं को सही ठहराती इकोसिस्टम, देश से बाहर के लोगों को गैर कानूनी तरीके से भारत में बसाने की कोशिशें, ये सब आंखों के सामने बेझिझक चल रहा है। मगर इतना होने पर भी सरकार कर क्या रही है? बस आंखें मूंदकर मूक दर्शक बनकर विकास की माला जपते बैठी है। ये कौन सा मौन तुष्टिकरण चल रहा है इस देश में? इन्हें कौन समझाएगा कि बहुसंख्यकों ने इन्हें दो दो बार पूर्ण बहुमत से और तीसरी बार सबसे अधिक सीटों से इसलिए चुनकर भेजा है ताकि ये लोग वर्तमान में और भविष्य में इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। मतदाताओं के लिए सुरक्षा प्रथम मुद्दा है और विकास इसके बाद वाला मुद्दा है, मगर ये लोग सिर्फ और सिर्फ तोड़ गठजोड़ की राजनीति और अगले पंचायत से लेकर प्रादेशिक चुनाव जीतने की रणनीति बनाने में ही व्यस्त हो गए। राष्ट्र धर्म को प्राथमिक सूची में रखकर सत्ता में आए ये लोग अब तन मन धन से राजधर्म तो खूब निभा रहे हैं, मगर राष्ट्र धर्म भूल गए। अब न जाने कब ये लोग अपना राष्ट्र धर्म समझेंगे और इन देश विरोधी और अराजकतावादी लोगों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। देश आस लगाकर इंतजार में बैठा है। दोस्तों, इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है और किन विषयों पर हमें आगे वीडियो लानी चाहिए, जरूर लिखकर बताइए।
इस विश्लेषण के दोनों भागों को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।